अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 28 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाहौर से मोहम्मद साकिब भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिना मार्केट अल मदीना रोड टाउनशिप रैंड ऑपरेशन, जिना सुपरमार्केट टाउनशिप में मौजूद गैर कानूनी मार्केट में एलडीए का ऑपरेशन एंटी इंक्रोचमेंट मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशात पे किया गया। शेख इम्तियाज महमूद ने कहा, आज सुबह एलडीए ने जामिया ऑपरेशन करके तकरीबन 2 अरब मालियत की जगह वागुजार करवा ली। वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान का खसूसी मशकूर हूं, जिनकी बदौलत ऑपरेशन पाया तकमील तक पहुंचा। ऑपरेशन में कुल 195 दुकानें मस्मार की गईं। ऑपरेशन से पहले दुकानदारों को सामान उठाने का पूरा मौका दिया गया। इस जगह पे एलडीए की जानिब से पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। शेख इम्तियाज महमूद ने कहा, एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर, एसपी सदर और पुलिस के तमाम जवानों का तहे दिल से मशकूर हूँ। सीसीपीओ लाहौर की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद, पुलिस ने मजाहमत करने वाले 23 अफराद को हिरासत में ले लिया। जोहर टाउन के इलाका शमसानी कब्रस्तान के करीब फायरिंग से 2 अफराद हलाक, नामालूम अफराद की फायरिंग से दोनों अफराद मौके पर दम तोड़ गए। फायरिंग से हलाक होने वाले उमर भट्टी और इसका दोस्त शामिल, ईदी रजाकार और ईदी एम्बुलेंस मौके पर मौजूद पहुंच गई। पुलिस कार्रवाई के बाद लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। तहसील नौशहरा विरका से खिजर सुभानी की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा विरका के नवाही गांव लालापुर में यह हादसा इस वक्त पेश आया जब बाइक सवार गुजरावालों के रिहायशी 2 बच्चों समेत 4 अफराद गुजरावाला से नौशहरा विरका आ रहे थे। नौशहरा विरका के नवाही गांव लालापुर में बाइक के सामने अचानक 3 से 4 आवारा कुत्ते आने से बाइक बेकाबू होकर गिर गई, जिससे 4 अफराद को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे शदीद चोट आई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 नौशहरा विरका ने बरवक्त पहुंचकर बाइक सवार नौजवान को मौके पे ही फर्स्ट एड फराहम कर दी, जबकि बाकी तीनों जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करते हुए सिविल अस्पताल नौशहरा विरका मुंतकिल कर दिया। टोबा टेक सिंह से आमिर नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी ट्रैफिक के हुक्म पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर आसिफ रहीम भट्ट ने टोबा टेक सिंह बाईपास पर ओवरलोडिंग गाड़ियों और ओवरस्पीड गाड़ियों और बगैर फेस मास्क ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की। इस मौका पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर आसिफ रहीम भट्ट का कहना था कि ओवरस्पीडिंग गाड़ियों और बगैर फेस मास्क ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जो मुसलसल जारी रहेगा और कोई सियासी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई में कांस्टेबल उस्मान अहमद भी इनके हमरा थे। करोड़पक्का से जुमा खान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मंजर करोड़पक्का नादरा ऑफिस के बाहर का है। इसके बिल्कुल सामने खवातीन की भी कसीर तादाद में मौजूद थीं। मैं नादरा के आला हकाम से और डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर करोड़पक्का से अपील करता हूं कि नादरा ऑफिस के बाहर इस तपती धूप में बगैर साए के खड़े हुए शहरियों के लिए कोई मुनासिब इंतजाम किया जाए। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए 28 न्यूज और आने वाली खबरों का इंतजार करें। इस्लामिक प्रोग्राम हो या हो खेल के मैदान, अवामी मसाइल हो या हो सियासी गुफ्तगू, शोबिज़ की दुनिया हो या हो गुलुकारी, हर वक्त बर वक्त सिर्फ 28 न्यूज़ पर।